मेंटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और बेटा, जैसा कि आपने देखा कि सीबीएसई बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं टाल दिया, उसका न्यूज हमने आपको दिया ही। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को भी उन्होंने डेट आगे बढ़ाने के लिए सोचा है। यूपी बोर्ड का जो पेपर था वो ये डिसाइड था कि 4 मई से हाई स्कूल का स्टार्ट होना था, 6 मई से इंटर का स्टार्ट होना था, लेकिन अभी उन लोगों ने डेट को स्थगित कर दिया है, डेट को टाल दिया। पेपर को स्थगित नहीं किया है, डेट को टाल दिया है यूपी बोर्ड की, कि हम 20 या 25 मई तक में ये डिसीजन लेंगे कि हमें बोर्ड का पेपर कब कराना है और कैसे कराना है। तब तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जबरदस्त तरीके से लग करके मेहनत करें, अपने सब्जेक्ट को न छोड़ें, पढ़ाई करते रहें और लगातार अपने सब्जेक्ट के टच में बने रहें। क्योंकि डेट टल जाने से, अगर पेपर होना है और डेट टल गई, आगे चलकर वो डिसीजन लेते हैं कि पेपर कराना है, तो अगर आप रिलैक्स हो जाओगे तो आपका घाटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने सब्जेक्ट के टच में बने रहिए। खास तौर से ये जो हम बेसिकली वीडियो बना रहे हैं, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की बात तो कल हो गई कि सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल की परीक्षा पूरी रद्द कर दिया गया है। उनको उनके प्री बोर्ड के हिसाब से इंटरनल जो उनका एग्जाम होता है उसके हिसाब से वो मार्क्स देंगे, और 12th की सीबीएसई बोर्ड की 12th की परीक्षा आगे डिसाइड किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने राज्य सरकार ने क्या किया है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पेपर को 20 मई तक, 20 से 25 मई तक ये डिसीजन लेंगे कि उसमें आगे क्या करना है। तब तक के लिए आप सब्जेक्ट रिटर्च में जरूर बने रहिए, क्योंकि कभी भी हमारा एक टीचर के रूप में हमेशा ये मानना रहा है कि कभी भी जब किसी पेपर की डेट टलती है, हमेशा उसमें अच्छे बच्चों का घाटा होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट के टच में बने रहना है। ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बात है, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।